पार्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जाम कंडक्ट हुआ, वन कैंडिडेट हैज जॉइन फॉर द रिव्यू एंड एनालिसिस पार्ट, ही विल टेल एंटायर एक्सपीरियंस. सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन, प्लीज. यस, इट वाज माय सेकंड बैच फॉर द एग्जाम. ओके, सेकंड शिफ्ट. सेकंड शिफ्ट इट वाज. सो द क्वेश्चंस वर लिटिल बिट टेक्निकल क्वेश्चंस वर लिटिल बिट टफ, बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर वेरी इजी. आई टेक्निकली यू आर सेइंग दैट मैथ्स एंड फिजिक्स, राइट? या, मैथ्स वाज लिटिल बिट लेंथी, आई विल से. It was okay. The question was very technical, so of course it will be lengthy, na. What about part 1, 60%, which is? Yeah, that was very easy. Very part easy. 1 very easy. So do you remember any current affairs question or 10 questions they have asked, right? Yeah, of course, but I will not. Right now my brain is little bit in the freeze mode. So according to you, paper level was easy, moderate, or hard? I'll say it's medium. Medium. It was medium. It is crackable. Okay. So how much you have attempted? All the question we have attempted because there was no negative mark, na. That's why. Yeah. So guys, Airport Authority of India Junior Executive का paper shift to conclude हुआ है. One candidate has joined for the review and analysis part. ये बताएंगे paper का overall difficulty level और कैसा paper था. Paper तो काफ़ी moderate था. हाँ, easy नहीं बोलेंगे, ना ही tough था. Okay. और section में time भी अच्छा खासा था. Okay. और जो section second part का जो paper होता है, physics and maths वाला, जो 60 marks का होता है, वो थोड़ा था, जिसमें matrix के questions ज़्यादा थे. मैट्रिक्स से अप्रॉक्स आई थिंक 10-12 क्वेश्चंस थे. मैट्रिक्स से थे. ठीक है. सर, कैन यू बोल के प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ आया था? प्रोबेबिलिटी मेरे सेट में तो नहीं था. नहीं. और किस टाइप का क्वेश्चन आया था, टॉपिक बताइए. और टॉपिक के हिसाब से देखिए, वेक्टर का हो गया, और फिजिक्स में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जितने थे उसके 4-5 क्वेश्चंस थे. और इसके अलावा जीके भी नॉर्मल था. जीके जनरल और 10 मार्क्स क्वेश्चन. हां, 10 मार्क्स क्वेश्चन जो था. जी सर, हिस्ट्री से पूछा गया था, लेटेस्ट करंट अफेयर पूछा गया था, या फिर अपॉइंटमेंट वगैरह, स्पोर्ट्स, क्या किस टाइप का क्वेश्चन आया था? नहीं, स्पोर्ट्स सेक्टर से तो नहीं था. ठीक है, बट बहुत हिस्ट्री भी नहीं था. मॉडरेट लेवल में था, मतलब 1980 के बाद से क्वेश्चंस थे सारे. ओके, 1980 के बाद से था, मतलब हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया था. हाँ. ओके, व्हाट अबाउट जनरल नॉलेज, सॉरी एप्टीट्यूड क्वेश्चन? एप्टीट्यूड ईजी था, मतलब उसमें आपको क्वेश्चन जो थे नॉर्मली स्पीड डिस्टेंस से थे. ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चंस थे एप्टीट्यूड से, वो आपके नंबर सिस्टम से भी थे, सीरीज के थे, ये सब तो थे. इंग्लिश सेक्शन में क्या था? इंग्लिश इजी था. हाँ, सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह. या दो क्वेश्चंस थे, एक एंटोनिम्स का, एक सिनोनिम्स का. नहीं, फ्रेज, हाँ, फ्रेज एंड एडम्स एक क्वेश्चन था, सिर्फ एक क्वेश्चन था. हाँ, पैराजम्बल था क्या? नहीं, पैराजम्बल नहीं था. नहीं, फिर इन द ब्लैंक्स ये सब नहीं था. एरर फाइंडिंग्स थे, एरर फाइंडिंग्स के 4-5 क्वेश्चन थे, जिसमें ग्रामेटिकल एरर और ये सब सारा कुछ खोजना था. अकॉर्डिंग कंक्लूड कीजिए, पेपर के लेवल कैसा रहा? इजी, मॉडरेट और हार्ड? मॉडरेट. मॉडरेट था. वन अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं, वन अटेम्प्ट कितना बनाया आपने? अटेम्प्ट तो मैंने सारे लिए, सारा क्वेश्चन किया. कॉन्फिडेंट कितने में आप? कॉन्फिडेंट ये मेन मैटर है. वो तो आंसर की आने के बाद ही थोड़ा पता पड़ेगा. बट हाँ, ऐसे अगर मैं अपना अनुमान लगाऊँ तो अप्रोक्सीमेटली 70-80 क्वेश्चन तो मैंने सही किए हैं, जो गारंटेड सही है. बट ही विल टेल इन एक्सपीरियंस. या बेसिक्स था क्वेश्चन, मतलब जो फिजिक्स और मैथ्स में था, मतलब फार्मूला बेस्ड था, बेसिक लेवल पे था. इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पे, ये दो पे बहुत क्वेश्चन था. इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक, हाँ, इलेक्ट्रिक और प्रोबेबिलिटी से भी कुछ क्वेश्चन था. और कितने क्वेश्चन आए थे? प्रोबेबिलिटी से 2 या 3 क्वेश्चन था इसमें. काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी से कुछ क्वेश्चन आया था. या मैग्नेटिक फील्ड से भी था. बेसिक्स था, मतलब यदि फार्मूला किसी को याद है तो वो कर सकता है, मतलब पुट करके. अच्छा, पार्ट वन में, पार्ट वन में जनरल अवेयरनेस. या जनरल अवेयरनेस में भी था, जैसे एक क्वेश्चन था, मतलब सिंपल सा था, कि ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर है और इंडिया का, वो कितना किलोमीटर टच करता है, एक ये क्वेश्चन था जो याद है. हाँ, तो करंट अफेयर जो पूछा गया था, जो लेटेस्ट पूछा गया था या हिस्ट्री पूछा गया था, मतलब पास? नहीं नहीं नहीं, पास से नहीं, सिंपल नॉर्मल ही था, मतलब बेसिक पे, जो बेसिक जनरल नॉलेज रहता है उसे. हाँ, बेसिक. कितना कंक्लूड कीजिए, आउट ऑफ 120 कितना बनाया आपने? 120 आउट ऑफ हम 90 बनाए हैं. 90 बनाया? हाँ, 90 बनाया. ओके, तो आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल इजी, मॉडरेट और हार्ड क्या रहा? या मॉडरेट, और मॉडरेट ही था. मॉडरेट हार्ड के बीच में बताइए. पेपर वन तो इजी ही था. रीजनिंग, हाँ, रीजनिंग के सवाल आसान थे. जनरल अवेयरनेस के सवाल मुझे टफ लगे. जनरल थोड़ा टफ लगा. हाँ, मुझे टफ लगा. कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल थे, पूछा गया था. और सेकंड पेपर में मैथ्स इजी था. इजी था. फिजिक्स में टच में नहीं था उतना, तो मुझे टफ लगा. हाँ, उतने अच्छे फिजिक्स नहीं थे. मैथ्स इजी था. मैथ्स इजी था. आउट ऑफ 60 अटेम्प्ट तो मैंने 60 किए हैं. फुल किया? हाँ, बट जीए जैसे मैंने कहा उसमें टफ था.
45 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, पार्ट वन, व्हाट अबाउट पार्ट टू? पार्ट टू तो कुछ कह नहीं सकते, फिजिक्स फिजिक्स में। ओके, फिजिक्स के और हाँ, बाकी अगर मैथ्स का देखा जाए तो मैथ्स के मोस्ट तो आंसर आया तो ही मार्क किया, सही होना चाहिए। तो यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट मैथ्स सेक्शन, राइट? हाँ, मैथ्स का कॉन्फिडेंट। ओके, आउट ऑफ 120 हाउ मच यू हैव रिटन? फुल? फुल तो नहीं है, कितना क्या अप्रोक्सीमेटली कितना बराबर? अप्रोक्सीमेटली आंसर तो मैंने अप्रोक्स 90 अटेम्प्ट किए रहे होंगे। ओके, 90 के बाद हाँ, फिर गेस वर्क। हाँ, पार्ट वन का जो आपका था जनरल जो हाँ जनरल नॉलेज, ये सब जनरल नॉलेज 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का वो हो गया। इंग्लिश था 20 का, 15 था आपका एप्टी का, एप्टी और एनालिटिकल। तो इंग्लिश तो इजी था, इंग्लिश 20 क्वेश्चन इजी था। हाँ, 20 क्वेश्चन इजी था, पर जनरल इंटेलिजेंस जो था वो तो हल्का सा मीडियम एवरेज बोल सकते हो। और मैथ्स आपका एवरेज था, एवरेज था। और फिजिक्स भी एवरेज। जनरल अवेयरनेस का वही कि अगर प्लस को डिवाइड कर देंगे, प्लस मींस डिवाइड, और जनरल नॉलेज का वो अमेंडमेंट ही सबसे था, अमेंडमेंट बिल से था कुछ, और उसी टाइप का आप समझ लिए। और पार्ट टू की बात कर लेते, फिजिक्स और मैथ्स के लेवल कैसा आपका? एवरेज था, टोटल एवरेज पेपर था। मैंने तो 120 टच कर दिया, पर मेरा लास्ट में 10 का मेरा छूट गया था, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था। अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल इजी, मॉडरेट और हार्ड? मॉडरेट था।